वेलकम फ्रेंड्स इन कुकिंग स्कूल। आज हम गुंदा की बेसन वाली मसालेदार सब्जी बनाएंगे। ये बहुत टेस्टी बनती है और साथ में हेल्दी भी बनती है, क्योंकि गुंदा हम सबकी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसे बनाने के लिए हमने लिया है 250 ग्राम गुंदा, इसे लसूड़े भी कहते हैं, साथ में 1 कप बेसन, 1 हरी मिर्च के टुकड़े, 1 कप छाछ, लहसुन और मिर्ची की पेस्ट ली है 1 चम्मच और 2 चम्मच नमक लिया है। ये गुंदा के अंदर बहुत चिकनाहट होती है, तो पहले थोड़ा नमक लेकर गुंदा में डालेंगे और उंगली से इसे सभी तरफ फैला लेंगे, जिसे अंदर की चिकनाहट निकल जाए। देखिए इसी तरह करना है। कई लोग चाकू को नमक वाला करके भी ये प्रोसेस करते हैं, लेकिन इस तरह उंगली से करने से इसमें से सारी चिकनाहट निकल जाती है। तो मैंने सारे गुंदा में नमक लगा लिया है और आप जब भी ये सब्जी बनाएं तो इसी तरह ही नमक लगाएं। अब इसे साइड में रखकर इसमें भरने के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो 1 कढ़ाई में 4 चम्मच तेल को गर्म कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे बेसन और लो टू मीडियम गैस पर हमें इसे सेक लेना है, जब तक कि इसमें से हल्की सी खुशबू आनी शुरू ना हो जाए। इस तरह बेसन को सेक कर बनाने से सब्जी का टेस्ट एकदम अलग ही आता है और सब्जी और भी टेस्टी बनती है। तो ये थोड़ा सा सिकने लगा है, देखिए इसी तरह प्रेस करते जाना है चम्मच से, ताकि सारा बेसन अच्छे से सिक जाए। इसे चलाते वक्त पहले ये थोड़ा भारी लगता है, लेकिन जैसे जैसे ये सिकता जाएगा हल्का होता जाएगा और अच्छी सी खुशबू भी आनी शुरू हो जाएगी। तो अब ये थोड़ा सिक चुका है, अब इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच नमक और 1 चम्मच धनिया और जीरे का पाउडर। इसे मिक्स करके 1 से 2 मिनट ही सेकेंगे, जिसे ये अच्छे से सिक जाएगा और मसाले भी बेसन में मिक्स हो जाएंगे। तो ये सिक चुका है, अब फ्लेम को एकदम स्लो करके इसमें छाछ डाल देंगे और साथ में लहसुन और मिर्ची की पेस्ट डालकर ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब लो टू मीडियम गैस पर इसे 2 से 3 मिनट तक चलाते रहेंगे, जिसे छाछ बेसन में पूरी तरह सूख जाएगी और मसाला भी पैन को छोड़ने लगेगा। तो आपने देखा, ये एकदम नया तरीका है गुंदा की सब्जी बनाने का और इसी वजह से ही ये सब्जी एकदम स्पाइसी और टेस्टी बनती है। तो बेसन पैन को छोड़ने लगा है और छाछ भी अच्छे से सूख चुकी है। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच मूंगफली पाउडर और थोड़ा हरा धनिया डाल देंगे और मिक्स करके इसे सिर्फ 1 मिनट ही रखेंगे। तो मसाला तैयार हो गया है और प्लेट में डालकर इसे 1 से 2 मिनट तक ठंडा कर लिया है। तो चलिए अब गुंदा में मसाला भर लेते हैं। 1 गुंदा लेकर इसमें मसाला डालेंगे और थोड़ा प्रेस कर लेंगे, जिससे इसे पकाते वक्त इसमें से मसाला बाहर ना निकल जाए। इसी तरह हमें सारे गुंदा में मसाला भर लेना है और ये मसाला देखकर आपको भी पता चल गया होगा कि ये कितना टेस्टी बना है। तो हमने सारे गुंदा में मसाला भर लिया है और आप देख सकते हैं ये दिखने में ही कितना अच्छा और टेस्टी लग रहा है और साथ में बहुत पौष्टिक भी है। अब 1 कढ़ाई में 3 चम्मच तेल को गरम कर लेंगे। ये गरम हो गया है, इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच राई, 1/2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सफेद तिल, 1/2 चम्मच हींग और मिर्ची के टुकड़े और ये सारी चीज़ों को 1 मिनट के लिए मीडियम गैस पर फ्राई कर लेंगे। ये सब्जी में तिल का टेस्ट और क्रंच बहुत अच्छा लगता है। तो ये फ्राई हो गया है, अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक
क्योंकि नमक हमने गूंदा और बेसन का मसाला दोनों में डाला है, तो अब इसमें भरे हुए गूंदा डाल देंगे। अब 2 से 3 मिनट तक स्लो गैस पर हमें इसे चलाते रहना है, जिसे गूंदा तेल में थोड़े फ्राई हो जाए, और हल्के हाथों से चलाएंगे जिसे गूंदा में से मसाला बाहर ना निकल जाए। कई लोग पहले गूंदा को बॉईल करके ये सब्जी बनाते हैं, लेकिन ऐसा करने से सब्जी फीकी हो जाती है। लेकिन गूंदा को इस तरह तेल में पकाने से सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो ये थोड़े से फ्राई हो गए हैं, अब ढककर इसे स्लो टू मीडियम गैस पर 4 से 5 मिनट तक पका लेंगे। और 4 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर देख लेंगे। देखिए, ये थोड़े से पक चुके हैं। फिर से चम्मच चला लेंगे इसमें, जिसे गूंदा सभी तरफ से अच्छे से पक जाए, और ढक्कन रखकर इसे 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। और 2 मिनट के बाद ढक्कन खोल लेंगे। तो ये अच्छे से पक चुके हैं और इसमें ज़रा भी चिकनाहट नहीं है। अब ये बचा हुआ मसाला इसमें डाल देंगे, ताकि सब्जी और भी मसालेदार हो जाए। और 1 मिनट तक इसे चलाते हुए गूंदा के साथ मिक्स कर लेंगे, जिससे ये मसाला गूंदा पर अच्छे से आ जाए। ये बेसन का मसाला आप फ्रिज में 8 से 10 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। और आप ये मसाला कोई भी सब्जी में डाल सकते हैं। आप जो भी सब्जी में डालेंगे बहुत ही टेस्टी बनेगी आपकी सब्जी। तो मसाला मिक्स हो गया है, अब फ्लेम को बंद करके इसे प्लेट में ले लेंगे। तो हमारी टेस्टफुल और मसालेदार गूंदा की सब्जी बनकर तैयार हो गई है, और आप इसे किसी के भी साथ खाएं बहुत ही टेस्टी लगती है। एक बार इस तरह से आप गूंदा की सब्जी बनाकर खाएंगे तो आपको बाकी सारी सब्जी का टेस्ट फीका लगेगा, और घर वालों को भी इसका टेस्ट इतना पसंद आएगा कि बार बार यही सब्जी खाना पसंद करेंगे। तो हमारी ये रेसिपी एक बार जरूर ट्राई करना, और हमें भी कमेंट में बताना कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी।